हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जल्दी से शुरुआत करते हैं सेशन की, चलते हैं सीधा चार्ट पर। जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर यकीन मत कीजिए। देखिए, कभी कभी दुनिया में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती है, इसको इग्नोर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि किस प्रकार से इंफॉर्मेशन चली। 11th ऑफ मार्च, इम्पॉर्टेंट डे ट्रेडिंग के लिए, और आपको ये लेवल दिए थे। खूबसूरत तरीके से लेवल ने काम किया। लेवल टूटने के बाद एक तरफा रैली आपको देखने को मिली, अच्छा खासा पैसा बना। आई होप आपका भी पैसा बना होगा। मैं लाइव भी आया था, लाइव के अंदर भी हमने साथ में थोड़े से लेवल डिस्कस किए थे। वो लेवल भी अगर आपने यूज़ किया तो पैसे डेफिनेटली बने होंगे। और किधर गया किधर गया किधर गया, अरे इधर ही तो था, अरे इधर ही तो था, किधर गया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ये रहा। तो गाइस, पैसे कैसे बने, सिंपल सी लर्निंग गाइस। 1-1 सूट स्ट्रैटेजी फ्री में आपको सेमिनार करके वेबिनार करके इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने सीख ली है तो देख लो, ट्रेड बना मार्केट में, पूरा टारगेट आया आपको यहाँ पर। हाँ, करीब करीब 170 प्लस प्लस पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। नहीं सीखा है, एप्लीकेशन की वगैरह अवेलेबल है, वहां पर जाके सीख लो, अच्छे खासे पैसे बना के देता है। इट इज फॉर योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपकी बेकार है, ठीक करना चाहते हो, 112 यूज करो। रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे पैसा कमाना चाहते हो, 112 यूज करो। रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करना सीखना चाहते हो, 112 यूज करो। ये पूरा का पूरा किस्सा 112 का फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया था, और वेरी नॉमिनल प्राइस, जिन्होंने मिस किया है एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। साथ के साथ यहाँ पर हाई फाई की दो ट्रेड्स बनी थी, एक यहाँ पर ये वाली, दूसरी क्लोजिंग के टाइम पर यहाँ पर। तो लेवल्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से काम किया, और कैसे पैसे बने वो भी देख लेते हैं। इधर गया किधर गया, ये देखो, चलिए ये लेवल करते हैं डिलीट, क्योंकि आपको नए लेवल मिल जाएंगे। डेली के चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो डेली के चार्ट के ऊपर आपसे एनालिसिस के अंदर जो हमने डिस्कशन किया था, क्या मार्केट ने उस तरीके से बिहेव किया, यार बिल्कुल बिहेव किया। आपको क्या बोला था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, यहां पर आके मार्केट खत्म हुई थी। मैंने क्या बोला था, मार्केट को इस स्ट्रक्चर का एक बार रीटेस्ट करना चाहिए। डेली के चार्ट पे आ जाओ, 4 आवर पे है वैसे तो, लेकिन इसका क्या करना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करना चाहिए था। तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट, यहां से ये पूरी कैंडल नीचे की तरफ आई है। आज इसने रीटेस्ट पूरा का पूरा कर लिया है, यहाँ पर पूरा का पूरा रिटेस्ट आपको होता हुआ दिखाई दिया है। अब मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ से घूम के ऊपर की तरफ 49,281 तक जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने जो काम किया है वो देख लेते हैं किस हिसाब से क्या लेवल बन के आएंगे। तो यहाँ पर एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है गाइस। यहाँ पर आपको ये इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये जो ट्रेंड लाइन ने खींच लेना, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ निकलती है तो भाई काम हो गया। ये ठीक है, ये एक राइजिंग वेज कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अक्सर ऐसे ही नीचे की तरफ आता है, ठीक है, बेरिश स्ट्रक्चर है, और ये डाइवर्जन के साथ में अच्छा काम करता है। डाइवर्जन में देख लेंगे, डाइवर्जन यहाँ पर क्या डाइवर्जन है, ये देखो, जहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है वहीं पर एक ट्रेंड लाइन खींच के देखो, आपको थोड़ा सा शार्प कर देता हूँ और उसको रेड कर देंगे। ये देखो, यहां पर मार्केट ऊपर जा रही है, यहां मार्केट नीचे जा रहा है, डाइवर्जेंस भी है। ये डाइवर्जन अक्सर कैसे काम करते हैं, जब मार्केट में ट्रेंड लाइन खींच लो एक ऊपर की तरफ, ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो डाइवर्जन काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो लाइन मैंने खींची है बहुत ही क्रूशल इंपॉर्टेंट होने वाली है निफ्टी के लिए, जो एक डिसाइडिंग फैक्टर आपका होने वाली है। बैंक निफ्टी के अंदर का स्ट्रक्चर देखें, सो बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर के अंदर गाइस आज भी एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, लेकिन इस चीज को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रीटेस्ट हो चुका है इस चीज का, हमारी ट्रेंड लाइन का, ठीक है। प्लस गाइस, मैंने आपको बहुत सारे लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, और जो मेरी लर्निंग को, एनालिसिस वीडियो को ध्यान से सुनता है, ध्यान से देखता है ना, वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ दोबारा से, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ, टीचर्स डे की जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से काम करती है। आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क कर लेना है, और आपको ये प्रे करना है कि मार्केट इस जोन के बीच में ओपन है,
इन सेकंड गाइस। तो आपको क्या प्रे करना है कि मार्केट इस रेंज के बीच में कहीं पर ओपन हो और मार्केट इसका हाई तोड़े, क्रॉस करे या नीचे की तरफ इसको क्रॉस करे, किसी भी तरह में आपको 80 to 100 points बैंक निफ्टी आराम से देके जाता है, बड़े ही आराम से देके जाता है। उसका आपको इवैल्यूएशन करके रखना है 80 to 100 points। क्या आपको 80 to 100 points मिले? कैसे नहीं मिले यार, सुबह सुबह आपको अच्छा खासा पैसा मिला है यहाँ से। ये देखो 485 points नीचे की तरफ मार्केट गया। मैंने क्या बोला, दो ऊपर ही और नीचे की तरफ क्या करना है, गोल्डन लाइन खींच के रख देनी है। ठीक है, गोल्डन लाइन खींच के रख देनी है। और ये गोल्डन लाइन जैसे ही टूटती है, गोल्डन लाइन जैसे ही टूटती है, आपको सवारी करनी है, बैठना है और 80 to 100 पॉइंट निकालने निकल। जिन लोगों ने आज मैसेज भी किए थे, बहुत सारे लोगों ने जिनका ये हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पैसा बनाया है। ठीक है, इसको कल के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो, सेम सिनारियो, ये हाई और ये लो, ये हाई और ये लो। ठीक है, ये हाई और ये लो आपने मार्क करना है। और मार्केट में जैसे ही आप इसे लॉन्ग करते हो, मार्केट में आपको क्या प्ले करना है, मार्केट इसके बीच में कहीं पर भी ओपन हो जाए, जो कल होने वाली है। क्योंकि मुझे कल क्या लग रहा है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो सिनारियो यहां पर दिखाई दे रहा है, कि यहां पर आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल बन के दिखने वाली है, कि कल एक गैप अप होगा छोटा सा और एक ग्रीन कलर की कैंडल बंद होगी और उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए अपने टारगेट्स के लिए। ऑफ कोर्स जो हेड एंड शोल्डर है, हमारा प्रोग्राम कब खत्म हो जाएगा, जब मार्केट इसका लो तोड़ देगी। कल अगर इसका लो टूटता है, उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सिनेरियो आपको याद रखना है कि कल है, आज थी 11th मार्च जिसकी मैंने बात की थी, आज की जो कैंडल बनी है ना गाइस, या तो ये एक शॉर्ट टर्म का हाई लो बन गया है, या एक शॉर्ट टर्म का एक तरीके से हाई बन गया, क्योंकि ये कैंडल का हाई नहीं टूटने वाला या इसका लो नहीं टूटने वाला आने वाले कुछ समय के लिए। तो दो सिनेरियो आपको याद रखने हैं, पहला इसका हाई उसका लो कल कैसे टूटता है, अगर टूटता है तो आपको 80 to 100 points एकदम से कैप्चर करने हैं उस पर्टिकुलर दिशा के अंदर। ये आपका पहला सिनेरियो हो गया। दूसरा प्लान क्या हो गया, अब मार्केट आने वाले 3 दिनों के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये याद रखना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको, 3 दिनों के अंदर अंदर कोई भी डेली कैंडल इसके ऊपर या इसके नीचे की तरफ क्लोज करता है, ऊपर या नीचे कहीं पे भी क्लोज करता है, तो ये बात समझ लेना कि मार्केट एक मूव देने के लिए तैयार है। क्या करने के लिए तैयार है, मूव देने के लिए तैयार है। उसी दिशा में मेरे हिसाब से मार्केट आपको 2 से 3 कैंडल और बना के दिखाएगा। अगर इसने ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया तो मोस्ट लाइकली इसलिए मैं इसके स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की ट्रेड लेना पसंद करूंगा ऊपर की तरफ। ठीक है, 2 से 3 कैंडल उसी दिशा में बनने चाहिए। और अगर इसका लो तोड़ता है तो अगेन इसके हाई का एसएल लगा के मैं नीचे के साइड की ट्रेड लेना पसंद करूंगा। ये अगर आप बैक टेस्ट करोगे ना कि अमावस्या की कैंडल का हाई और लो मार्केट 2 या 3 कैंडल उसी दिशा में देता है, आप भी अमेज हो जाओगे कि 2 से 3 कैंडल उसी दिशा में जरूर बनते हैं। ठीक है, उसी डायरेक्शन में जरूर बनते हैं। सो बड़ा दिस इज माय प्लान, दो चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोनों मार्क करके जो करने वाला हूँ कल के डेट में। ठीक है, दिस इज फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। तो निफ्टी के अंदर भी मैं इसी कैंडल का हाई और इसी कैंडल का लो मार्क करने वाला हूँ और उसके हिसाब से प्लान करने वाला हूँ। तीसरी चीज क्या है गाइस, तीसरी चीज देखिए, मार्केट में जो कैंडल बनी है, क्या बनी है, एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, पहली बात। दूसरी, ये बड़ी कैंडल अगर आप मेजर मेजर करने की कोशिश करेंगे कितने पॉइंट्स की कैंडल है, दिस इज 600+ प्लस पॉइंट कैंडल, 634 टू बी वेरी स्पेसिफिक, 600 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल है। क्या होता है, जब भी कैंडल 350 पॉइंट से ऊपर की होती है और रेड होती है तो क्या होने के चांसेस होते हैं, एक गैप अप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये तो जो भी मेरा फॉलोवर है ना, मुझे अगर 1 डेढ़ महीने 2 महीने से फॉलो कर रहा है उसको भी पता होगा, एटलीस्ट वो पुट लेके नहीं जाएगा। कितने परसेंट चांस होते हैं, 70% चांस है कि मार्केट गैप अप देगा और 30% चांस है कि मार्केट गैप डाउन देगा। ठीक है, लेकिन ये जो गैप डाउन होगा ये बड़ा होना होगा फिर, ठीक है, और ये गैप अप। लेकिन एक चीज का याद रखना, अगर गैप डाउन होता है देन अगेन 70% चांस है कि वो कैंडल पूरी खींच के ऊपर की तरफ ग्रीन बंद कर देगा। जैसे ये बड़ी कैंडल हुई थी, यहां पर गैप डाउन हुआ था, ये ग्रीन कैंडल बंद हुई है। ठीक है, प्रीवियसली भी कभी भी देख लेना, कभी भी एक बड़ी कैंडल बनी है और मार्केट ने गैप अप की जगह गैप डाउन दे दिया है, जैसे कि यहां पर तो गैप अप हो गया है। देखो ये बड़ी कैंडल बनी, मार्केट ने गैप डाउन दिया छोटा था, लेकिन एक बड़ी ग्रीन कैंडल बंद हुई है। ठीक है, यहां पर बड़ी कैंडल बनी, गैप अप हुआ, गैप अप हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर गैप डाउन हुआ, जैसे कि ये देखो ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है,
कितनी बड़ी कैंडल बनी है ये, कल बनी है 1400-1500 पॉइंट की कैंडल बन गई, उसके बावजूद और गैप अप, 1500 पॉइंट का गैप डाउन के बाद में मार्केट ने 500 पॉइंट का गैप डाउन भी दे दिया, लेकिन कैंडल क्या हुआ, कैंडल नीचे खुली लेकिन ऊपर ग्रीन आके बंद हुई। गाइस ये हमेशा होता है। सो कल आपके लिए जैकपॉट क्या लग जाएगा, दो तरीके से, गैप अप हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो चांसेस क्या है कि मार्केट एक बार जहां पे भी ओपन होगी वो खींच के ऊपर लाया जाएगा, उसको एक ग्रीन कैंडल में क्लोज करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। ये क्या है, मार्केट का पैटर्न है, मार्केट का बिहेवियर है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कल इसका ऑब्जर्वेशन करके देख लेना कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। ठीक है, ये एनालिसिस हो गया। निफ्टी भी मैंने आपको बता दिया, चलिए पैटर्न चल के देख लेते हैं कि मार्केट में कुछ पैटर्न बन रहा है क्या निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर 30-30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा और आपको यहाँ पर कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। मार्केट में अगर मैं फिबोनाची लेता हूँ, ये बॉटम से ये हाई तक जहां से मार्केट गया था, ठीक है, मार्केट से हाई तक आज जहां मार्केट गया है, मार्केट मोटा मोटा अगर आप लेके चलो तो ऑलमोस्ट गोल्डन पॉकेट के नीचे ही ऊपर क्लोज हो गया गाइस, अगर आप देखें ना, क्योंकि 332 का क्लोजिंग आया, 332 इज विद इन दिस गोल्डन पॉकेट ओनली। अगर इसको और छोटे टाइम 1 आवर के मैं देखूं तो 332 कहाँ है, 332 ये रहा ऊपर, तो गोल्डन पॉकेट के ऊपर ही क्लोज हुई है। दिस पर्टिकुलर जोन इज अ बाय बाय जोन, ठीक है, तो मार्केट जो हुई है जो एक इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर बंद हुई, ये एक बाय बाय जोन है जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है, पर मार्केट यहां से बाउंस मार सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं मार सकती है। क्या बैंक निफ्टी भी ऐसी किसी जोन के ऊपर बंद हुआ है, मैं यहां पर अगर लगाने की कोशिश करूं तो यहां पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर मैं लगाऊं, ये मैंने लगाया तो मार्केट में देखोगे ना, ये मैं अगर गोल्डन लाइन हटा दूं जो आज की लो की है, यहां पर स्पेस है और फिबोनाची में इतना स्पेस कभी बचता नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा मार्केट यहां से घूम नहीं सकती है, लेकिन अगर मार्केट यहां से घूमेगी तो भी नीचे की तरफ आएगी, इसको प्रॉपर प्रॉपर सपोर्ट चाहिए होता है, तो 0.38% का सपोर्ट नेसेसरी है। एक बार हो सकता है कि गैप डाउन खुले थोड़ा सा और यहां से ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो, गैप अप हो तब भी थोड़ा सा नीचे आके फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, बट कल के लिए 47,200 का जो लेवल है एक इम्पॉर्टेंट जोन होने वाला है, इसको आपको बाय जोन के लिए कंसिडर करना है। मार्केट अगर इसके नीचे कोई 15 मिनट की दो कैंडल क्लोज कर देती है, देन इट विल बी अ कैंडिडेट ऑफ 50%, जहां पर 46,900 के आसपास की लेवल मार्केट नीचे की तरफ आपको दिखा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट एक बार इसको टच करके ऊपर की तरफ घूमने की कोशिश करेगी, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करना चाहिए। ठीक है, ये छोटा सा प्लान है जिसको हम कल फॉलो करने वाले हैं। लेवल्स की अगर हम बात करें क्या लेवल्स बन रहे हैं, तो एक बार लेवल्स भी बना के देख लेते हैं। इंडिया विक्स के लेवल देखें तो 13.99, यार इंडिया विक्स तरह गिरती जा रही है, जो मेरे लिए सबसे बड़ा बेसिकली प्रॉब्लम प्रॉब्लमेटिक हो गया है, क्योंकि इंडिया विक्स नीचे गिरती है ना तो वॉलेटिलिटी की लग जाती है और कुछ नहीं है। 13.99 डिवाइड बाई 19.10, यहाँ 73.73 की रेंज बनती है। ये जोन बनती है, ये लेवल मैं आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाऊंगा। लाइव मार्केट से जुड़े रहने के लिए गाइस जुड़े रहिए टेलीग्राम चैनल से, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई अपडेट आती है तो वो अपडेट मैं आपको उसके अंदर ही देने वाला हूँ। ये बन गया आपका सोन, लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से ले लीजिएगा। और इसके लेवल ये भी इंपॉर्टेंट है, 73%। चलती मार्केट के अंदर कोई अपडेट होती है ना तो वो डेफिनेटली आपको चलती मार्केट में टेलीग्राम के अंदर ही मिल पाती है, तो अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट देने की कोशिश करूं। 73%, ठीक है। कल मार्केट में गैप अप या गैप डाउन की तरह मेरे मेरे हिसाब से गैप अप होना चाहिए, बाकी मैंने अभी तक देखा नहीं है एचजीएक्स निफ्टी क्या बोल रही है, एक बार वो भी देख लेते हैं। एचजीएक्स क्या चल रहा है, 7 रुपये प्लस चल रहा है, गैप अप ही होना चाहिए मोटा मोटा। ये लेवल आपको कल मैं एक्सटेंड करके दे दूंगा जहाँ जिस साइड भी बनेंगे, ठीक है। चले देख लेते हैं कि मार्केट में किस तरीके के वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसके बारे में अपन एनालिसिस के लिए रिक्वेस्ट किया था। आज मैं लाइव आया था और बहुत सारे स्टॉक्स की एनालिसिस तो मैंने सीखे उसी टाइम पे दे दिए थे, लेकिन फिर भी आपके कुछ स्टॉक्स हैं जिसके एनालिसिस कहाँ गए,
वीडियो, अरे कमेंट सेक्शन किधर गया? यूट्यूब स्टूडियो कंटेंट एंड यस 35 कंटेंट कमेंट्स। गुरुजी सबसे पहले कमेंट देख लेते हैं किसने किया था। सबसे पहले कमेंट किया था वरुण पाटिल जी ने। थैंक यू वरुण फॉर कमेंटिंग। हेलो हाउ आर यू डूइंग। दिव्यूज लेबोरेटरी का व्यू फॉर्मिंग हेड एंड शोल्डर वन डे फ्रॉम, मैंने ऑलरेडी दे दिया है दिव्य दिव्य फॉर्म, कल का एक बार देख लीजिएगा वहाँ पे दे रखा है। ज्ञान वीकली वॉलेटली कोर्स कब सीखने को मिलेगा? इट्स नॉट अ कोर्स, इट्स जस्ट अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन, इट इज नॉट अ कोर्स। और वो ऐसा कोई कोर्स आने वाला भी नहीं है। बट हाँ, जब भी मैं अपनी ऑप्शन मास्टरी की वर्कशॉप करता हूँ या ट्रेडिंग मास्टरी की वर्कशॉप करता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वो एज अ बोनस सिखा देता हूँ। इट इज नॉट अ कोर्स, और ये ना तो मेरी एप्लीकेशन में ना कभी आपको मिलेगा, और ना ही आपको मैं ये ज्ञान का कोर्स कभी बेचता हुआ दिखाई दूंगा या सुनाई दूंगा कि मैं ज्ञान का कोर्स बेच रहा हूँ। फॉर दैट दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, और ये मैं अपने स्टूडेंट को अपने जो कोर्सेज की वर्कशॉप होती है उसके साथ में एज अ बोनस दिया करता हूँ। हमेशा मैंने अपने मेरे में उसे सुना होगा, एज अ बोनस मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट बैच में न्यूमरोलॉजी की भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है अपने स्टूडेंट्स को। वो क्यों दिए? एज अ बोनस दी है, ठीक है? मैंने किसी और से सीखा न्यूमरोलॉजी, मुझे ना लर्निंग आई है उसकी, तो मैं एज अ बोनस आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आई एम नॉट गोना सेल दिस स्टफ फॉर श्योर, तो इसको कोई कोर्स आने वाला नहीं है, ठीक है? प्लीज कीप टेलिंग अबाउट क्रूड ऑयल एज वेल। ओके क्रूड ऑयल, अगर अनिता जी अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल का मैंने इन्फॉर्मेशन जो दिया था, क्रूड ऑयल का नंबर आया कि नहीं आया बताओ? वो लेवल जो आपके साथ में शेयर किया था कि आया कि नहीं, कि नहीं आया? आया आया, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ भी उठना उठना शुरू हो गया, बट वो लेवल डेफिनेटली आया है। दोबारा गिरना चाहिए इसको, एक बार दोबारा गिरना चाहिए। शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो 6373 नोट कर लेना, एक बार दोबारा टच करने आ गए ये 6373, जिस लेवल से उठा है ना, इसी ग्रीन कैंडल की बेस को दोबारा टच करना है, एक बार क्रूड ऑयल आना चाहिए, ठीक है? ओके स्टॉक के लिए अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मुझे डिवीज लैब तो ऑलरेडी हो गया है, जितेंद्र जी अगर आपको एनालिसिस नहीं समझ में आता है तो जिनका समझ में आता है उनका देख लियो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। एनीवेज लास्ट कमेंट इज गुरुजी टाइटन में सेल का क्या रखें? आपने अगर स्विंग ट्रेड सीखा है तो आपको पता है जिस दिन आपने एंट्री ली है उस पर्टिकुलर कैंडल का लो आपका एसएल रहता है। सो जिस दिन आपका स्विंग ट्रेड में एंट्री आया था उस दिन के लो को स्टॉप लॉस बना के ऊपर की तरफ के टारगेट होते हैं, नीचे का एसएल लगता है। सर जी एंटरटेनमेंट का शॉर्ट टर्म का व्यू बता दीजिए। चलो जी एंटरटेनमेंट देख लेते हैं। थैंक यू यूनिस भाई फॉर ड्रॉपिंग द हार्ट। एंड विशाल भाई पूछते हैं सर अशोक लेलैंड का एनालिसिस, तो दोनों देख लेते हैं। अशोक लेलैंड पहले, सबसे पहले देख लेते हैं क्या बोलता है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड ने कंसोलिडेशन स्टेज के ऊपर है, ये वाली लाइन टूटने के बाद ये एम पैटर्न बनेगा, ये जो लाइन खींच दिख रही है ना आपको, ये एक एम पैटर्न का कंस्ट्रक्शन करने की फिराक में है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। और ये लाइन अगर टूटती है तो फिर ये बहुत तगड़ा गिर सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मेजरली 165-164 का लेवल है, अगर ये टूटता है तो नीचे की तरफ आ सकता है। आपने ये नहीं लिखा है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो मैं आपको लॉन्ग टर्म का बता रहा हूँ। अगर ये टूटता है नीचे की तरफ तो आपका पहला टारगेट 154 और दूसरा टारगेट 145, तो 10-10 पॉइंट के दो सपोर्ट लेवल जो है वो बन के आपको देखने को मिल सकते हैं। डेली के चार्ट पे अगर मैं कोशिश करूँ कुछ देखने की तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, बट वीकली के चार्ट की जो कंसोलिडेशन है आप दिख रहा है ना, रेड रेड ग्रीन करके, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट राइट नाउ। इसका क्या मतलब है? ये स्टॉक में अभी ट्रेडिंग नहीं करनी कर सकते हो आप, क्योंकि मार्केट ना के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक पैटर्न का कंस्ट्रक्शन करने में लगा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे भी करने की कोशिश करते हो ना, तो ये पूरा बंद कोई पैटर्न बनेगा नहीं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर।
ठीक है, कोई एकदम से ऐसे कोई पैटर्न खास बनेगा नहीं। और अगर जो बन भी रहा है ना, वो भी क्या बोल रहा है, यहाँ पर स्पेस बाकी है, तो अभी और कंसोलिडेशन चल सकती है, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं है, ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो उसका ध्यान रखना, 164 के नीचे अगर कोई वीकली कैंडल को क्लोज करता है तो ये थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट दूसरा पूछा है, वो देख लेते हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस डेली पे देखे तो ये गैप है, ये गैप फिल होना चाहिए, लेकिन इस गैप को फिल करने कब आएगा उसको देखने के लिए मंथली चार्ट पे चलते हैं एक बार। ओके, तो मंथली चार्ट के ऊपर ये कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है? अगर मैं यहां से फिबोनाची लगाऊं तो बहुत कंस्ट्रक्शन खराब है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर ना, फंडामेंटली कुछ गड़बड़ है, क्योंकि टेक्निकली ये साउंड नहीं कर रहा है। और एक तरीके से अगर मैं देखूं तो ये देखो, ये यहां से यहां लगाता हूं तो ये एग्जैक्टली इसने गोल्डन पॉकेट से रेजिस्टेंस लेके हाई फाई का पैटर्न बना के नीचे का टारगेट दे दिए हैं, तो ये सारा टारगेट आ चुका है। दूसरा, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर यहां से आप ट्रेंड लाइन भी खींचते हो तो इस ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, विच इज बेरिश, बेरिश टेरिटरी के अंदर ये ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, डब्ल्यू बनाने की बात कर रहा था, ये डब्ल्यू पैटर्न बन सकता था, लेकिन मार्केट ने वो पैटर्न भी क्रिएट नहीं किया है। फिलहाल कोई पैटर्न तो नहीं है भाई इसके अंदर, जो देख के हम क्लैरिटी से बोल सकें, देखो मंथली चार्ट पे कि कुछ कर लो, कुछ ट्रेड ले लो। फिर भी मैं आपको लेवल देके जाऊंगा, और गिरेगा मेरे भाई ये। अगर ये इसके नीचे कोई कैंडल वीकली की क्लोज करता है, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली 156 के ऊपर है, वीकली कैंडल अगर इसके नीचे कोई क्लोज कर देता है 156 के नीचे, तो ये 132 तक गिरेगा। ठीक है, और अगर यहां से उठ गया, ठीक है, 177 के ऊपर बाय कर लेना, ये दोबारा जा रहा है अपने गैप को फिल करने के लिए। ये फिबोनाची की ट्रेड बनेगी 177 के ऊपर, ठीक है, जो कैंडल इस 177 के पोर्शन को तोड़ने वाली है, मतलब अगर मार्केट में वाला ये रिवर्स करता और यहाँ पर कोई वीकली कैंडल ना ऐसे क्लोज होती है, तो इसी कैंडल के लो का एसएल लगेगा और इसके हाई के ऊपर बाई होगा, और ये अपना पूरा गैप फिल करने जाएगी 230 के आसपास तक का। ये एक स्विंग ट्रेड बनेगा इसके अंदर ऑन अ लॉन्ग पोजिशन, और उसके बाद में सेकंड टारगेट क्या होने वाला है, उसके बाद में सेकंड टारगेट ये हाई होने वाला है, 270, 276, 275, 280 के टारगेट आने चाहिए ऊपर की तरफ से, तो ये रिवर्सल लेवल हो जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉटम बना के जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि कोई भी वीकली कैंडल 156 के नीचे क्लोज नहीं होने चाहिए। ठीक है, डीवीज लैब और दोबारा बता देता हूँ, 4-5 बार कमेंट किया गया, स्पैम मत किया करो यार, बाय है भाई डेफिनेटली, वीकली टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये यहाँ से, ओ नहीं, देखो फिबोनाची के हिसाब से बात तो नहीं बनता है, हालांकि इसने एग्जैक्टली 0.786% से सपोर्ट लिया है और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये हमारी ट्रेड नहीं बन सकती। ठीक है, स्टूडेंट्स को पता है क्यों, बट इट इज़ वेरी वीक, कुछ भी कर सकता है फिलहाल के लिए, इट इज नॉट रिकमेंडेड टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। मत बाय करना है, दोबारा गिरेगा। ठीक है, अगर इसको ऊपर भी जाना है तो डेली के चार्ट पे पता है क्या करेगा, ये एक बार दोबारा नीचे आएगा ऐसे, और ये ऐसे ऊपर जाएगा इसके ऊपर सपोर्ट लेके 3500 के आसपास दोबारा आना चाहिए इसको एक बार डिवीज लैब को, उसके बाद में ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। अब जैसे ही मानो, बट ये वाला पैटर्न तो बनाएगा ये ऐसे करके कुछ, ठीक है, उसका ध्यान रखना। क्रूड ऑयल ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम, ऐसे कैसे ऊपर जाएगा भाई, जाना तो है ऊपर, लेकिन अब देखो ये कैंडल क्लोज होने में अभी 38 मिनट है, तो ये गेम खेलेगी, उसके बाद में एक कैंडल और नीचे आनी चाहिए।
हाँ बिल्कुल आने चाहिए, अरे 100% आने चाहिए। जैसे कि ये ऊपर गया था वापस आया ना नीचे, ये भी ऊपर जाके नीचे की तरफ आएगा। प्राइस सेक्शन इसको फॉलो करना, जो सीखता है वो भी देख लेना इसके हिसाब से। ये एक हायर हाई लोअर लो, हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, तो मार्केट ये वाले लेवल को नहीं टूटनी चाहिए। मैक्स ये लेवल है ऊपर की तरफ जाने का, मार्केट इससे पहले ही कहीं पे घूम के एक बार लोअर लो बनाने के लिए आएगी। एक ये लेवल तो टच होगा फॉर श्योर। ठीक है, तो 6373 का बता देना, और ये टारगेट आ जाए तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं आए तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है मेरे भाई, ये था एनालिसिस, आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। वेडनेसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन कमेंट करके बता देना कौन से दिन आप लाइव चाहते हो। मैं यूट्यूब के ऊपर लाइव आके पूरा दिन साथ में ट्रेड करेंगे, तो कौन सा दिन चाहिए आपको, वेडनेसडे या थर्सडे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।